तो अब मैं बता देता हूँ भाई, आप इस बाइक को कितने में अपने घर ले जा सकते हो भाई। मिनिमम डाउन पेमेंट जो आप करोगे ना भाई इस बाइक का, सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ भाई ऑन रोड प्राइस कितना है। तो इस बाइक का जो ऑन रोड प्राइस है भाई वो है 1,40,893 रुपया। तो भाई इस बाइक का मिनिमम डाउन पेमेंट कितना आने वाला है, तो मिनिमम डाउन पेमेंट जो आने वाला है भाई वो, सो हेलो एवरीवन वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई ये सामने SP160। तो भाई आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस बाइक में आपको क्या कुछ देखने को मिलता है और भाई ये क्यों आप बाइक परचेस करना चाहिए भाई 2024 में। बात कर लेते हैं भाई इसका लुक्स पे, तो लुक्स काफ़ी स्पोर्टी इसका लुक्स देखने को हमें मिल जाता है भाई। यहाँ पे आपको हेडलाइट दिख जाएगा जो कि भाई LED में आपको मिलेगा, जो कि सेम भाई जो SP125 में मिलता है वही हेडलाइट हमें यहाँ भी देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ इधर का भाई साइड प्रोफाइल का बात कर ले तो यहाँ भी भाई साइड प्रोफाइल काफ़ी भाई स्पोर्टी लुक में आ जाता है यहाँ पर। बाकी आपको यहाँ पे होंडा का बैजिंग देखने को मिल जाएगा और आपको यहाँ भी SP का बैजिंग देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ बात कर ले पीछे की, तो पीछे में आपको 160 का यहाँ पे भी बैजिंग देखने को मिल जाता है और इधर पे भी देख लो भाई तो ये E20 के साथ आता है। और बात कर ले भाई इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो भाई सबसे अच्छा मुझे इसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर लगा है भाई, बिकॉज इसमें आपको मिल जाता है TFT डिस्प्ले। यहाँ पे आपको दो बटन देखने को मिल जाएंगे ऊपर और नीचे, तो ये जब आप ऊपर वाला बटन प्रेस करोगे तो भाई यहाँ पे आपको चेंज होगा, ट्रिप ए आ गया और ये आ गया भाई ट्रिप बी और ये आ गया भाई टोटल। बाकी नीचे का जब बटन प्रेस करोगे तो भाई यहाँ पे आपको बैटरी शो हो रहा है, ये आ गया भाई एवरेज, मतलब ये बाइक अभी कितनी की एवरेज माइलेज दे रही है वो आपको शो होगा। बाकी यहाँ पे आपको टाइम देखने को मिल जाता है भाई और यहाँ पे गियर इंडिकेटर है और यहाँ पे फ्यूल गेज का आपको दिख जाएगा भाई, फ्यूल इंडिकेटर है। तो ये भाई यहाँ पे RPM आपको शो हो, जैसे ही भाई मैं थ्रॉटल दूंगा ना तो ये देखो भाई यहाँ पे RPM भाई पूरा शो होता है। बाकी यहाँ पे गियर आपको शो हो रहे हैं। बाकी एक बार मैं सबसे पहले आपको बाइक को स्टार्ट करके भाई इसका साउंड सुनाना चाहूँगा। ये है भाई इसका एग्जॉस्ट साउंड, तो भाई एग्जॉस्ट साउंड काफ़ी अच्छा है। एक बार मैं आपको इंजन का साउंड सुना देता हूँ, इस बाइक में मैं एक और चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा भाई, इस बाइक में आपको मिल जाता है भाई हजार्ड का सिस्टम भाई, ये कंपनी फिटेड आता है। तो जैसे ही आप इसको ऑन करोगे भाई तो हजार्ड का सिस्टम भाई चालू हो जाएगा। देखो चारों इंडिकेटर भाई ग्लो कर रहा है, मैं आपको फ्रंट से दिखा देता हूँ भाई, ये देख लो। तो इस बाइक में एक और चीज़ का हमें फ़ायदा देखने को मिल जाता है, वो क्या है, वो है भाई इसका जो LED लाइट है वो भाई हमेशा ग्लो नहीं करते रहेगा। मतलब दिन के समय भाई बहुत कुछ शिकायत रहता था होंडा SP125 में कि भाई जिसका LED लाइट है भाई वो दिन के समय भी भाई ग्लो होते रहता था, जिसके वजह से बैटरी कंजप्शन काफ़ी ज़्यादा हो जाता था। तो इस बाइक में वैसा कुछ नहीं है भाई, देख सकते हो बाइक अभी चालू है, इंडिकेटर भाई ऑन है। यहाँ से मैं इग्निशन दिखा देता हूँ भाई, इग्निशन देख लो, ये इग्निशन भाई ऑन है, उसके बावजूद भाई ये जो लाइट है वो बंद है भाई। दिन के समय भाई अच्छा खासा ब्राइटनेस कर रहा है, तो भाई रात में तो इसका भाई अब टेस्ट करेंगे तो ही पता चल पाएगा। बात कर लो फुटरेस्ट की, तो फुटरेस्ट इसका काफ़ी अच्छा है, अच्छा क्वालिटी का फुटरेस्ट यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। सारी गार्ड भी आप यहाँ पे देख ले, यहाँ पे प्रॉपर सारी गार्ड लगाया गया है। यहाँ पे आपको चैन का बात कर ले तो चैन आपको ओपन चैन सेट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं भाई इसके इंजन की, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई वो बाइक का है वो भाई इंजन। तो अब बात करते हैं भाई इंजन पे, तो इसमें आपको 4-स्ट्रोक ऐसा इंजन देखने को मिल जाता है। मैक्स टॉर्क की बात कर ले तो 14.58 Nm का टॉर्क देखने को आपको मिल जाता है। बात कर ले भाई स्टार्ट मेथड की, तो इसमें आपको सेल्फ और किक दोनों देखने को मिल जाते हैं। बाकी बात कर लो सस्पेंशन की, तो इसमें आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। बैक साइड का, तो इसमें आपको मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। बात कर लेता हूँ इसकी फ्रंट ब्रेक की, तो सबसे पहले यहाँ पे देख लो आपको ABS का बैजिंग देखने को मिल जाता है, जो कि भाई सिंगल चैनल ABS के साथ आता है। और इसका जो डिस्क साइज है वो है भाई 3.5 mm का डिस्क आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। टायर साइज की, तो इसमें आपको 80/100 सेक्शन का टायर देखने को मिल जाता है। चलते भाई इसके रियर टायर साइज की, तो 130/70 सेक्शन की टायर देखने को मिल जाता है, जो कि 70 inches का टायर है। तो इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो इसमें आपको 12 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाता है। तो अब मैं बता देता हूँ भाई आप इस बाइक को कितने में अपने घर ले जा सकते हो भाई। मिनिमम डाउन पेमेंट जो आप करोगे ना भाई इस बाइक का, सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ भाई ऑन रोड प्राइस कितना है। तो इस बाइक का जो ऑन रोड प्राइस है भाई वो है 1,40,893 रुपया, यानी कि 1,40,893 रुपीज़ आपको ऑन रोड प्राइस देखने को मिल जाता है। अब मैं बता देता हूँ भाई इस बाइक का मिनिमम डाउन पेमेंट कितना आने वाला है, तो मिनिमम डाउन पेमेंट जो आने वाला है भाई वो आने वाला है 15,000, यानी 15,000 का आप मिनिमम डाउन पेमेंट करके इसको आप घर ले जा सकते हो। बाकी जो EMI आपका बनने वाला है वो बनने वाला है भाई 6,650 रुपये का 24 मंथ का। बाकी मैं सब कुछ आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। और जो दूसरा EMI बनने वाला है भाई वो बनने वाला है 5,576 रुपया 30 महीने का। और जो तीसरा EMI बनने वाला है भाई वो बनने वाला है 3,936 महीने का। बाकी आप अपना आओ यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाओगे तो हो सकता है भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर नीचे जाएगा, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बाकी आपको मैं शोरूम का नंबर वगैरह और जो भी एड्रेस वगैरह है वो सारा कुछ स्क्रीन पे आपको शो हो जाएगा, तो आप यहाँ से आके परचेस कर सकते हो या फिर आप कॉन्टैक्ट कर भी आ सकते हो। एड्रेस वगैरह जो भी है वो सारा कुछ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शो कर दूँगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद है, अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में।